हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, मरियम नवाज का इशारा। कहती है इमरान खान के लोग इनकी इज्जत नहीं करते, हमारी पार्टी आजमाइशों के बाद भी नहीं टूटी। मरियम नवाज की बातों पर बच्चे भी हंसते हैं। वजीर इत्तला फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत जाने के लिए अपोजिशन को मजीद 5-6 साल इंतजार करना पड़ेगा। नून लीग के अंदर जानेशीनी की कशमकश है, कुछ लोग शहबाज शरीफ और कुछ लोग मरियम नवाज के साथ दिखाई दे रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, मेरी हिकमत अमली का इंतजार किया जाए, बिलावल भुट्टो की मीडिया कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पीडीएम असेंबलियों के इस्तीफे के मुतालबे से हट जाए तो साथ चल सकते हैं। इमरान नियाजी को सच छुपाने में महारत है, फौरन ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की शफाफियत का भांडा फूट चुका है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़ी अमरी का बयान, नाअहल दरबारी दारों को धमकाना बंद करें, मुआवन खुसूसी शहबाज गिल ने लीगे रहनुमाओं को आड़े हाथों ले लिया, कहा कि एहतजाज की धमकी आवाम के लिए नहीं अपने इख्तदार के लिए दी जा रही है। कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी, 5,000 अफराद वायरस का शिकार, 10 ने दम तोड़ दिया। कराची में एक दिन में 2,500 केसेस की तस्दीक। NCOC का दूसरा अहम इजलास, तालीमी इदारों को हफ्ते में 3 दिन बंद रखने की तजवीज़, स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार, अमल दरामद ना करने पर सील करने का फैसला। जमात इस्लामी का 20 जनवरी को हसन स्क्वायर पर धरने का ऐलान, हमारा मुतालबा है कि कराची को इसका हक दिया जाए, पीछे नहीं हटेंगे, हाफिज नहीमुर रहमान का बयान। और मोबाइल के 100 के रिचार्ज पर 14 रुपए का टैक्स, वजारत खजाना ने 9 रुपए 3 पैसे इजाफी विद होल्डिंग टैक्स वसूली करेगी, वफाकी हुकूमत को 43 अरब की आमदन होगी।